नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। कहने के लिए देश के दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चाओं के चलते प्रदेश ही नहीं देश में हॉट सीट बन गई थी। इस लोकसभा क्षेत्र में आजादी के 77 साल बाद भी सड़क, पानी, शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन कैसे इस बार भी चुनाव में जातिवाद का मुद्दा बेहद हावी हो रहा है। इस सीट से भाजपा, कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों के अलावा 9 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन प्रचार के दौरान मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और लोकसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 26 साल के युवा विधायक के बीच था। आइए जानते हैं कि किस तरह से चुनाव आते जाते हैं, इस त्रिकोणीय मुकाबले में जातिवाद का रूप ले लिया है और आमजन की समस्याओं, अभावों और विचारधारा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं की जातियों के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। साल 1952 में सीट के अस्तित्व में आने के बाद राजपूत समाज का वर्चस्व रहा था। भवानी सिंह और रघुनाथ सिंह बहादुर के निर्दलीय चुनाव जीतकर इस सीट पर राजपूत समाज का दबदबा जमाया था। 1962 में राम राज्य परिषद पार्टी से तन सिंह ने जीतकर समाज का दबदबा कायम रखते हुए संसद तक पहुंचे थे। लेकिन 1967 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमृत नाहटा ने पहली बार राजपूत समाज से ये सीट छीन ली और लगातार दो बार उन्होंने यहां से चुनाव जीता। 1977 में फिर ये सीट राजपूत समाज के कब्जे में चली गई। लेकिन इस बार तन सिंह ने पार्टी बदलते हुए जनता पार्टी से चुनाव लड़ा है और एक बार फिर राजपूत समाज का दबदबा कायम किया। साल 1980 से 1989 तक लगातार दो बार फिर जैन समाज के वृद्धि चंद जैन ने सीट जीती और 1989 के चुनाव में प्रदेश के बड़े राजपूत लीडर कल्याण सिंह कालवे ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बने। लेकिन साल 1991 में जाट समाज के कद्दावर नेता और नागौर के मिर्धा परिवार के सदस्य रामनिवास मिर्धा ने कांग्रेस ने इस सीट पर जाट समाज के दबदबे की शुरुआत की। इसके बाद 1996, 1998, 1999 में कांग्रेस की ही ये सीट कर्नल सोनाराम चौधरी ने लगातार तीन बार चुनाव जीतकर राजपूत समाज के उम्मीदवारों को हराकर इस सीट पर जाट समाज का वर्चस्व कायम किया। 1991 से राजपूत और जाट दोनों समाजों के बीच ये सीट प्रतिष्ठा का दाव बनती चली गई। साल 2004 में भाजपा की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे पूर्व वित्त, विदेश, रक्षा मंत्री, भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल ने जीत दर्ज करके एक बार फिर ये सीट राजपूत समाज के खाते में डाल दी। 2009 में कांग्रेस से एक बार फिर जाट समाज के हरीश चौधरी जीते और 2014 में जसवंत सिंह जसोल ने भाजपा से इस सीट पर टिकट मांग रहे थे लेकिन उनके काट कर कांग्रेस से भाजपा में आए कर्नल सोनाराम चौधरी को दे दी गई। यही जाट और राजपूत समाज के बीच वर्चस्व की लड़ाई के संघर्ष ने जातिवाद का रूप ले लिया। जसोल की टिकट कटने और राजपूत समाज में भाजपा के जबरदस्त रोष देखने को मिला। जसवंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा जिसके चलते राजपूत और जाट समाज के बीच इस चुनाव में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। 2019 में जसवंत सिंह बेटे मानवेंद्र सिंह इस नाराजगी के चलते पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनाव लड़ा लेकिन एक बार फिर जाट समाज से ही चुनाव लड़ रहे कैलाश चौधरी से रिकॉर्ड तोड़ करके अंतर से चुनाव हार गए हैं मानवेंद्र जसोल। इस चुनाव में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने जाट समाज के नेताओं को प्रत्याशी बनाया और राजपूत समाज ने मिलकर एक सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने लड़ा जिसके बाद माना जा रहा था कि दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जाट समाज के होने से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। लेकिन एक बार फिर जाट और राजपूत समाज ने इस चुनाव समाज के वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। इसके बाद जाट समाज पूरी तरह एकजुट होते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के साथ दिखा तो राजपूत समाज निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के साथ और भाजपा प्रत्याशी अपनी ही समाज को अपने पक्ष में करने में पूरी तरह से सफल होते हुए नजर आए। अब नतीजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस सीट से जाट समाज अपना दबदबा कायम रख पाता है या राजपूत समाज 20 साल बाद इस सीट पर वापसी करता है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।